गाइस बहुत सारे बंदे बोल रहे थे माधु भाई क्राउड्समैन जावा की कॉपी लो, क्राउड्समैन जावा की कॉपी लो। फाइनली गाइस हमारे प्ले स्टोर पे आ चुकी है एक न्यू गेम जिसका नाम है क्राउड्समैन लैपटॉप। तो उससे मेरा क्या फायदा? पैसा ही पैसा ये गेम हमारी होने वाली है जावा पे। तो लेट्स गो गाइस, मेरे फाइल इसको इंस्टॉल कर दिया है, लेट्स गो। यहाँ पे गाइस आ चुका है हमारा इंटरफेस, यहाँ पे लिखा है जावा क्राफ्ट और यहाँ पे तो गाइस स्किन एडिटर भी है भाई। यहाँ पे गाइस हमें बहुत सारी स्किन्स देखने को, अबे ऐड कहाँ से आ गया? अरे मुझे चक्कर आने लगा। तो गाइस इसकी हमें सेटिंग्स भी कुछ ऐसे जावा की तरह देखने को मिल जाती है। यहाँ से हम एफओपी बढ़ा सकते हैं और यहाँ से गाइस हम कुछ भी चेंज कर सकते हैं जैसे हम जावा में करते हैं। और यहाँ पे गाइस एफपीएस को बढ़ा के अल्टीमेट अल्टीमेट में कर देते हैं। और यहाँ से गाइस हम जल्द से वर्ल्ड को क्रिएट कर लेते हैं। ये कौन सा वर्ल्ड है? ड्रैगन मिडीविल। हाउ भाई ये क्या, इसको बाद में हम देखेंगे। और एक न्यू वर्ल्ड को गाइस वर्ल्ड क्रिएट करने का ऑप्शन भी बिल्कुल जावा की तरह है। वर्ल्ड का नाम हम लिख लेते हैं जावा, क्योंकि हम खेल रहे हैं क्राउड्समैन जावा, सही बात है ना। तो चलो गाइस हम इस वर्ल्ड को क्रिएट कर लेते हैं और क्रिएट करने का ऑप्शन भी बिल्कुल जावा की तरह दिख रहा है भाई। मस्त गेम है यार ये। तो गाइस देख लेते हैं इसका वर्ल्ड। यहाँ पे तो टेक्सचर वगैरह भी बिल्कुल माइनक्राफ्ट की तरह दिख रहे हैं, पर गाइस ये माइनक्राफ्ट नहीं है, जी जावा की ऊपर बेस्ड है। और इसकी स्काई की टेक्सचर तो देखो भाई, ये तो बढ़िया लग रहे हैं। और ये रही गाइस इसकी इन्वर्टरी, इन्वर्टरी तो गाइस इसकी नॉर्मल लग रही है, पर इसमें गाइस हमें चेरी, ये क्या चीज है भाई? अबे ये तो उसकी ड्रैगन भाई। गाइस रुको रुको रुको, ये ड्रैगन कहाँ से आए? गाइस इस गेम में ड्रैगन कहाँ से आए? गाइस मुझे तो पहले ही लग रहा था कि इस गेम में कोई ना कोई मिस्ट्री है। गाइस इस गेम में कुछ ना कुछ कुछ खासियत है, कुछ ना कुछ राज छिपा हुआ है, जो गाइस आज की स्टूडियो में हम निकालेंगे। ये ड्रैगन गाइस आए कहाँ से? मैं एक काम करता हूँ, कुछ सर्च कर लेता हूँ। हाँ मुझे याद है, यहाँ पे हम शैडल को सर्च कर लेते हैं। हम कोशिश करते हैं क्या हम इनके ऊपर बैठ सकते हैं? नहीं। अरे यार ये क्यों नहीं हो रहा यार, कितनी बार ट्राई किया पर गाइस हम इनके ऊपर नहीं बैठ सकते। और यहाँ पे डर्ट की टेक्सचर तो देखो यार, ये तो जावा की तरह लिखते हैं। अरे लिखते नहीं है भाई, दिखते हैं। और गाइस आपको सिंपली यहाँ पे करना कुछ नहीं है, यहाँ पे गाइस आपको साइड में एक ऐसा ऑप्शन देखने को मिलेगा जहाँ से गाइस आप पर्सन व्यू भी एक क्लिक में सिर्फ चेंज कर सकते हो यार। और गाइस आपको करना कुछ नहीं है, आपको सीधा एक काम करना, ऐड देख लेना भाई। ऐड कहाँ से आ जाते हैं यार? तो ऐड को तो हटा दिया आप पे। ये कैसा ड्रैगन है भाई? गाइस मुझे कुछ नहीं पता इस गेम में क्या चल रहा है, पर यहाँ पे गाइस वुड के टेक्सचर भी हमें सेम देखने को मिल जाते हैं। और बात रही गाइस इस इन्वेंटरी की, तुम्हें बोला होगा भाई जावा जावा बोल रहे थे तो, पर ये तो कुछ और ही दिख रहा है। तो फिर तुम्हें गाइस साइड में सेटिंग का ऑप्शन यहाँ पे देखने को, यहाँ पे आके यूआई प्रोफाइल को क्लासिक में कर देना, फिर जाके तुम्हारी इन्वेंटरी भी जावा की तरह हो जाएगी। हाँ सस्ता जावा बोल सकते हो, पर भाई तुम्हारे पास पीसी नहीं है तो हाँ भाई समझो ना भाई बात को। और जैसे गाइस हम डायमंड आर्मर को पहन लेते हैं और एक काम करते हैं, इस ड्रैगन को मारने की कोशिश करते हैं भाई। दिमाग खराब करके रखा है, इसको अभी मैं मार के दिखाता हूं तुमको वन हिट में। ये पड़ा नहीं भाई, रुक जाओ टेंशन मत करो, ये पड़ा। अबे लग क्यों नहीं रही भाई, तू बच, अब तू नहीं बचेगा मेरे हाथ से। फाली फाली भाई लग गई भाई। अबे दिमाग खराब कर दिया था। और यहाँ पे गाइस हम सबको मॉब्स भी सारे के सारे सेम देखने को मिल जाते हैं, और शीप भी गाइस बिल्कुल सेम लग रही है यार। और यहाँ पे तो देखो गाइस, यहाँ पे तो पम्पकिन से भाई, ये भी गाइस बिल्कुल सेम लग रहे हैं। और गाइस मैं इन्वर्टरी चेक कर ही रहा था, और गाइस इस गेम में तो मिस्ट्री से भरी हुई है यार। यहाँ पे देखो भाई, ये कौन कौन सी सोर्ड, अंडर आर्मर, और इस गेम में गाइस चल के आ रहा है, तो मैंने सारे के सारे ले लिए। और गाइस अभी हम ट्राई करेंगे इस गेम की मिस्ट्री को सोल्व करना, ठीक है? तुम सब मेरे साथ रहना। और ये क्या, अरे ये आर्मर को तो हम खा सकते हैं भाई। इस गेम की गाइस कोई ना कोई मिस्ट्री है जो इस वीडियो में गाइस मैं सोल्व करूंगा। तो यहाँ पे गाइस रात हो चुकी है और मेरे पास ये सारे के सारे खतरनाक वेपन्स हैं। और रात का व्यू भी गाइस यहाँ पे बहुत ही स्मूथ और मक्खन यहाँ पे देखने को मिल रहा है। और अभी गाइस ज़ॉम्बीज आते होंगे, उन पे गाइस मैं ट्राई करके देखता हूँ ये आखिर में आर्मर और ये सोड काम के साथ है। और यहाँ पे ज़ॉम्बी को तो मैंने मारा, पर गाइस कुछ भी असर नहीं हो रहा। ये रहा ड्रैगन आर्मर, इससे क्या होगा? क्या हम ड्रैगन पे बैठ सकते हैं? बहुत सारी गाइस मिस्ट्रीज हैं जो गाइस इस वीडियो में हम सोल्व करेंगे। और दिन हो चुका है पर ये सोड और ये आर्मर किसी भी काम में नहीं आ रहे। तो मुझे यहाँ पे ड्रैगन मिल चुका है, हम अब देखेंगे कि ये हम ड्रैगन आर्मर से इसके ऊपर बैठ सकते हैं। और गाइस मैंने बहुत टाइम से इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किए पर हम इसके ऊपर बिल्कुल भी नहीं बैठ सकते। क्या मिस्ट्री है गेम में?
देखना पड़ेगा गाइस इस गेम में मिस्ट्री आखिर है क्या। और यहाँ पे आर्मर से भी कुछ नहीं हो रहा, अभी मेरे दिमाग में एक बात आई है, क्यों ना मैं क्रिएटिव से सर्वाइवल में जाऊँ और देखता हूँ कि ये ड्रैगन मुझे मारते हैं कि नहीं मारते, क्योंकि मैंने बहुत टाइम से इनके ऊपर आर्मर लगाने की कोशिश की पर ये नहीं लगा रहे। 3, 2, 1 लेट्स गो, मैंने यहाँ पे सर्वाइवल कर दिया। ये ड्रैगन अब मेरे को मारेंगे, अभी देखना पड़ेगा गाइस इनके पास जाके देखते हैं। पर गाइस ये हमें नहीं मार रहे, आखिर में ड्रैगन्स का काम क्या है इन गेम में, क्योंकि कुछ भी होता है कोई भी चीज़ किसी फालतू चीज़ के लिए नहीं होती। और यहाँ पे गाइस विलेज मिल चुका है और वेट अ सेकंड, सामने देखो ड्रैगन गोलम को मार रहा है और यहाँ पे गाइस गोलम की हेल्थ भी सारी की सारी कम हो चुकी है। और गाइस कुछ ना कुछ मिस्ट्री गेम में अभी भी है, तो अब इसको गाइस मेरे को भी ड्रैगन को इसको मारने में हेल्प करनी पड़ेगी। चलो जल्द से गोलम मरने वाला है जल्द से, अबे ड्रैगन हट जा। तो गाइस फाइनली ड्रैगन को तो मैंने हटा दिया पर गोलम यहाँ पे मरने वाला है, इससे अच्छा जल्द से हम गोलम को रिपेयर कर लेते हैं और मिस्ट्री की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि इस गेम में विलेजर भी सेम है, कैट भी सेम है और यहाँ पे ट्रेडर भी सेम है और लामाज भी यहाँ पे सब कुछ सेम देखने को मिल रहा है। पर ये आखिर इस गेम में ड्रैगन क्यों एग्जिस्ट करते हैं ये हमें देखना पड़ेगा। और विलेज बिल्कुल सेम है और सामने ही हमारे चैरी बायोम है, चैरी बायोम से भी ज्यादा गाइस अभी मेरा फोकस मिस्ट्री पे जा रहा है। और चैरी बायोम को तो देखा जाए बिल्कुल गाइस ब्यूटीफुल लग रही है, और इसकी वुड को तो देखो गाइस इसकी वुड भी गाइस बिल्कुल सेम लग रही है यार, और इसके टेक्सचर तो देखो गाइस सच बोलूं तो गाइस क्या मजे वाली इन्वर्टरी है यार। ओ वेट अ सेकंड, ये क्या चीज है गाइस, ड्रैगन कैंप, ओ हंटर कैंप। सो गाइस ये क्या चीज है इस गेम में, गाइस मैं ऐसे मिस्ट्री को सॉल्व करने के लिए कैमल्स को स्पॉन कर रहा था पर ये क्या चीज है, धुआं कहां से आ रहा है भाई, ये गेम को बहुत खतरनाक है भाई। अबे ये कौन से ड्रैगन कैंप से लग गए गाइस, मैंने बोला था गाइस इस गेम में कोई ना कोई मिस्ट्रीज बात है। और यहाँ पे देखो पूरी की पूरी आर्मी हो चुकी है, यहाँ पे कुछ ज्यादा आर्मी हो चुकी है, इससे अच्छा मैं एक न्यू कैंप को स्पॉन करके देखता हूँ साइड पर। और यहाँ पे हम एक न्यू कैंप को गाइस मैंने स्पॉन कर दिया, और यहाँ पे इनका किंग है और यहाँ पे इनके ट्रूप्स, और ये नीचे देखो गाइस ये बैलर रहा, उस बैलर को ओपन कर लेते हैं, ये कुछ स्टफ है जो बाद में हम देखेंगे। और गाइस ये क्या चीज है भाई, नीचे देखो गाइस पिक को यहाँ पे आग के ऊपर टांग कर रखा है खाने के लिए, गाइस ये क्या चल रहा है भाई, कुछ समझ नहीं आ रही मुझे। अभी मिस्ट्री को सोल्व करने के लिए काम करते हैं, सर्वाइवल में जाते हैं कि ये हमारे दोस्त हैं कि दुश्मन। अबे ये तो हमारे दुश्मन निकले गाइस, ओ मैंने बोला था गाइस कुछ ना कुछ मिस्टीरियस बात इस गेम में है, ओ ये हमारे दुश्मन है असल में। अभी हम दूर चलते हैं और यहाँ पे गाइस इस गेम में हमें कैमल देखने को मिल जाते हैं और सिफर भी देखने को मिल जाते हैं, सब कुछ सैम देखने को मिलता है। पर अब चलते हैं गाइस हम नेदर में, देखते हैं गाइस नेदर भी बिल्कुल सैम है कि उसमें भी कुछ मिस्टीरियस बातें होने वाली है, तो इस वीडियो में हम सब कुछ सोल्व करके रहेंगे, तो इस वीडियो को फुल देख लेना। चलो गाइस सीधा चलते हैं नेदर में, 3, 2, 1 लेट्स गो। और नेदर में तो गाइस मैं बिल्कुल आ चुका हूँ, सब कुछ सैम दिख रहा है। ओ अबे ये क्या चीज भाई, अबे ये नहीं हो सकता, अबे ड्रैगन नेदर पे बेस्ड है भाई ये ड्रैगन। अबे मेरे को तो गाइस कुछ अजीब लग रहा है गाइस, अभी तक इस गेम की पूरी मिस्ट्री सोल्व नहीं हुई है, नेदर तो गाइस बिल्कुल सेम लग रहा है। अब मेरे दिमाग में आ रहा है इसका एंड कैसा होता होगा भाई, मुझे बहुत डर लग रहा है एंड में जाते हुए। चलो गाइस चलते हैं एंड में, 3, 2, 1 लेट्स गो। चलो गाइस मेरे साथ चलते हैं एंड में, लेट्स गो गाइस मैं आ चुका हूँ एंड में। और गाइस मैं सोच रहा हूँ जल्द से नाइट पोशन लगा लेते हैं, देखते हैं गाइस ये ड्रैगन कैसा होने वाला है, तो जल्द से यहाँ पे सर्च कर लेते हैं गाइस नाइट पोशन। ओ ये कौन से गाइस देखने को मिल गए भाई, ये कैसे आ गए, चलो गाइस इनको, ओ ओ ओ ये नहीं हो सकता, अबे ये नहीं हो सकता भाई, अबे ये इतने सारे अंडर ड्रैगन, अबे ये कैसे हो गया, अबे अच्छा गाइस अब सांस आई भाई, ये तो वो है भाई सिर्फ देखने के लिए। और यहाँ पे गाइस ये कौन से मोब हैं गाइस जिनको मैंने एग लिया, और इन्होंने तो लैंटर्न पकड़ के रखी है भाई, अभी वापस से गाइस इसको स्पॉन करके देखता हूँ। और यहाँ पे गाइस ये न्यू ट्रूप्स हैं, वो भाई साहब गाइस मुझे लग रहा है कि ये हमारे साथ हैं क्या, ये तो गाइस बाद में ही पता लगेगा। और सबसे मेन रहा गाइस सबसे बड़ा एंडर ड्रैगन, ये गाइस दिखने के लिए थे, मैं तो डर गया था भाई। तो चलो गाइस इस ड्रैगन का काम तमाम करके देखते हैं, उसके बाद देखते हैं क्या होता है। Let's go! Finally guys, dragon का काम हो चुका है, अबे ऐड कहाँ से आ गया? Let's go! और ये रहा guys हमारा dragon egg, तो guys finally guys मैं मिस्ट्री सोल्व तो नहीं कर पाया, क्या आपने इस गेम की मिस्ट्री सोल्व की है, तो मुझे कमेंट में बताना और लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।